गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे लाइकोपोडियम की। ठीक है, जो लाइकोपोडियम है इसके अंदर हमने स्पोर का फॉर्मेशन पढ़ लिया था, स्पोर बन गया था हमारा। और आज जो है हम बात करेंगे जर्मिनेशन ऑफ स्पोर और उसका फॉर्मेशन और गैमेटोफाइटिक प्लांट। ठीक है, तो ये जो है आज के टॉपिक में हम जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, एक तो स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, मतलब इसका फॉर्मेशन, और डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइटिक प्रोथेलस, और ये जो गेमिटोफाइटिक प्रोथेलस है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, या फॉर्मेशन ऑफ गेमिटोफाइटिक प्लांट। दोनों नाम से पूछा जा सकता है कि लाइकोपोडियम में फॉर्मेशन ऑफ गेमिटोफाइटिक प्लांट क्या होता है, यानी कि गेमिटोफाइट प्लांट का जो है फॉर्मेशन वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर अपना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट प्रोथेलस, है ना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, या तो इस नाम से पूछा जाता है हमसे या फिर इस नाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है आपका जर्मिनेशन ऑफ स्पोर पहले, और फिर बाद में गेमेटोफाइट का, जो गेमेटोफाइटिक प्रोथेलस है मतलब गेमेटोफाइट प्लांट कैसे बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइटिक प्रोथेलस इसकी बात करते हैं। अब इसी के अंदर हमारा जो है मेन जो टॉपिक है वो है हमारा ये डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट प्रोथेलस। ठीक है, इसी के अंदर हम देखेंगे कि जो स्पोर होता है वो कैसे जर्मिनेट होता है, क्योंकि हमने आगे जो टॉपिक डाला है वो डाला है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो पहले हम जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, टॉपिक यही है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गेमिटोफाइट बोल दो इसको, या आप बोल दो डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइटिक प्रोथेलस, मतलब ये बोल दो डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइटिक प्रोथेलस, हमें वही चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखो, ये स्पोर था, ये हमारा स्पोर बना था इस तरह का, जो कि बाहर से ऑर्नामेंटल था और बीच में इसमें एक चोंच नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती थी, ये तिकोनी सी स्ट्रक्चर पाई जाती थी। ठीक है, ये हमने पिछले वाले जो वीडियो है उसमें देखा था कि ये इस तरह का हमारा स्पोर बनता है। तो ये क्या है, ये है एक स्पोर। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पोर है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये स्पोर होता है, यह हमें पता है कि ये एक एन स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसे बना था ये कैसे बना था, ये जो स्पोर मदर सेल थी हमारी SMC, उसमें हुआ था मियोसिस। क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, और मियोसिस होने की वजह से ये बना था हमारा स्पोर। ठीक है, अब SMC जो थी वो 2N थी, और जो स्पोर बना वो क्या है, यहाँ पर एन प्रकार का है। किस प्रकार का है, एन प्रकार का। तो ये स्पोर है और ये टेट्रेड फॉर्म में हमें मिले थे। अब क्या होता है कि जब ये स्पोर होता है, जब ये अंकुरित होता है, मतलब अब इसका जर्मिनेशन होगा, क्या होगा, इसका जर्मिनेशन होगा, और अब गेमिटोफाइटिक पीढ़ी आएगी। पहले तो हम जो भी पढ़ रहे थे वो क्या था, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी थी। अब जो है इसका जर्मिनेशन होने के बाद में एक नई पीढ़ी आएगी जिसे हम बोलेंगे गेमिटोफाइटिक पीढ़ी, और वो जो गेमिटोफाइट पीढ़ी होगी उसमें कोई जड़ तना पत्ती नहीं होगी, उस वो की स्ट्रक्चर होगी क्या, प्रोथेलस। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्रोथेलस जैसी, यानी कि थेलस जैसी संरचना होगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो स्पोर होता है ये क्या बनाता है, ये गेमिटोफाइट बनाता है। ठीक है, और ये जब गेमिटोफाइट बनाएगा तो इसी गेमिटोफाइट पर ये जो स्पोर है, स्पोर से क्या बनेगा, स्पोर से बनेगा हमारा गेमिटोफाइट। ठीक है, और जो गेमिटोफाइट बनेगा उस गेमिटोफाइट पर लगेंगे मेल और फीमेल गेमिट। क्या लगेंगे, मेल एंड फीमेल गेमिट लगेंगे। बात समझ में आए कि ये जो जर्मिनेट होगा, इसके जर्मिनेशन से एक प्रोथेलस जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, और उसी स्ट्रक्चर पर मेल और फीमेल गेमिटोफाइट लगेंगे, मतलब मेल और फीमेल गेमिट का निर्माण होगा। ठीक है, अब जो मेल गेमिट होगा वो मेल गेमिट किसमें बनेगा, एंथ्रीडियम में, और जो फीमेल गेमिट होगा किसमें बनेगा, आर्किगोनियम में। ठीक है, तो मेल और फीमेल गेमिट जो है वो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में बनेंगे। तो वो आर्किगोनियम कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखो कि ये जो स्पोर होता है, ये स्पोर जब जर्मिनेट हो जाता है तो जर्मिनेट होने के भी लगभग 15 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, तब जाकर गेमिटोफाइट इसके ऊपर प्रोड्यूस होता है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा, बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो बीज होता है, ये जो स्पोर है, जिसको हम बीजाणु बोल रहे हैं, ये बीजाणु क्या करता है, जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट कैसे होगा, ये पानी को सोखेगा, पानी को सोखने के बाद में ये
इसकी कोशिका भित्ति फूलेगी और फूलने से ये बीच में से टूट जाएगा, ठीक है। उसी समय पर इसके अंदर जो एक कोशिका होगी, एक सिंगल कोशिका होगी इसके अंदर, वो कोशिका क्या करेगी, डिवीजन कर लेगी। इस तरह से डिवीजन करके दो कोशिकाएं बनाएंगी, एक नीचे वाली आधारी कोशिका और ऊपर वाली जो कोशिका बनाएंगे उसे हम एपिकल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कैसे बनती है वो। फिर आगे ये डिवीजन करेगा, फिर से ये कोशिका दो भागों में टूट जाएगी, ये कोशिका दो भागों में टूट बदल जाएगी, इस तरीके से ये दो भाग बनाएगी, ठीक है। फिर इसकी जो ये ऊपरी ऊपर वाली कोशिका है, फिर से ये डिवीजन करेगी इस तरीके से, और ये इस तरीके से चार कोशिके एक जो है वो क्या प्रोथेलस कोशिका बनाएगी। फिर ये कोशिका फिर से डिवीजन करेगी और पांच कोशिके बनाएगी। फिर इसके बाद में यहीं पर इसी जगह पर इस कोशिका के अंदर यहां पर हाइपा, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का जो है फंगस होता है, वो फंगस इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और फंगस जब इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो इसको पोषण देना शुरू कर देगा और ये हमारा एक गैमेटोफाइट तैयार हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे बनता है उसको देखते हैं। पहले इसको देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या बात हमसे कही जा रही है। तो देखो, जब एक कोशिकीय अगुणित बीजाणु, किस तरह का बीजाणु है, अगुणित बीजाणु है, ये अगुणित बीजाणु अंकुरित होते हैं तो बहुकोशिकीय गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद प्रोथेलस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो था एक कोशिकीय बीजाणु और ये बना देता है बहुकोशिकीय प्रोथेलस को। ये जो प्रोथेलस ये कैसा है, बहुकोशिकीय, ठीक है। ये जो प्रोथेलस ये कैसा है, बहुकोशिकीय, ठीक है। यानी कि ये मल्टी सेलुलर होता है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोथेलस का निर्माण करती है जिस पर नर और मादा लैंगिक अंग विकसित होते हैं, इसी के ऊपर बनेंगे हमारे नर और मादा लैंगिक अंग, समझ में बात। अब ये जो गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट पर लैंगिक अंगों के विकास में 8 महीने से लेकर 15 साल तक लगते हैं। कितने साल लग जाते हैं, 15 साल तक लग जाते हैं। यानी कि ये जो प्रोसीजर है, यहां से जर्मिनेशन का, इस बीजाणु से ये अवस्था आने तक का जो समय है, देखो कहाँ से, इस बीजाणु से ये अवस्था आने तक का जो समय है, इसमें 8 महीने से लेकर 15 साल तक का समय लग जाता है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इसका जर्मिनेशन होता है ना। पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके होने में कॉम्प्लिकेशन है, समय बहुत लगता है, ठीक है। चलिए देखो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा ये बीज होता है, ये जो बीजाणु होता है, ये बीजाणु क्या करता है, पानी की उपस्थिति में होता है अंकुरण जो होगा इसका, किसकी उपस्थिति में होगा, पानी की उपस्थिति में। तो ये बीजाणु क्या करेगा, अंकुरण से पहले बीजाणु जल अवशोषित करके गोलाकार रूप धारण कर लेता है। बीजाणु है, बीजाणु ने क्या किया, सबसे पहले जब अंकुरण होना है इसका तो इसने क्या किया कि जो जल है उसको ग्रहण कर लिया, मतलब अपने अंदर सोख लिया। सोखने से ये क्या हो गया, गोलाकार, गोलाकार हो गया, जैसे अंगूर होता है, अंगूर को जब हम उसको सॉरी जो किशमिश होता है जिसको पानी में डालते हैं तो फूल करके सा हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो उसी अवस्था में ये आ जाता है इस तरह से। इस अवस्था में बीजाणु की बाह्य भित्ति टूट जाती है। अब ये जो ऑर्नामेंटल भित्ति है इसकी, वो बाह्य भित्ति इसकी टूट जाएगी, ठीक है। इसमें पहला विभाजन असममित प्रकार का होता है। असममित प्रकार का मतलब ये होता है, अब देखो जैसे ये बीजाणु है तो फर्स्ट विभाजन होगा इसके अंदर ये वाला, इसमें क्या होगा, इसको असममित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक कोशिका तो इसमें बनती है छोटी और एक कोशिका बनती है इसके अंदर बड़ी। तो जो छोटी कोशिका है वो ये कोशिका है इसकी, और जो बड़े आकार की कोशिका है वो ये कोशिका है, ये बड़े आकार की कोशिका है, ठीक है। तो एक तो बनती है छोटी कोशिका और एक कैसी बनती है इसके अंदर बड़ी कोशिका बनती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असममित प्रकार। इस प्रकार का जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, असममित प्रकार का, यानी कि इसके अंदर ही थी एक कोशिका, इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर थी एक सिंगल सेल, वो सिंगल सेल क्या हो गई, दो भागों में बट गई, यहाँ पर दो भागों में बट गई, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। अब ये जो छोटी कोशिका है इसकी, ये जो छोटी कोशिका है ये कैसी दिखाई दे रही है, लेंस की जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, छोटी कोशिका है लेंस की तरह दिखाई, आगे इसमें कोई डिवीजन विवीजन नहीं होता। जो डिवीजन होता है वो किसमें होता है, केवल एपिकल सेल में, ऊपर वाली कोशिका में, ठीक है, टूट जाती है, ठीक है। विभाजन कैसा है, ये असममित प्रकार का, इस तरह का जो विभाजन है वो क्या कहलाता है, असममित प्रकार का विभाजन कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटी राइजोडियल कोशिका, जिस छोटी कोशिका है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे राइजोडियल कोशिका या बेसल कोशिका, दो नाम इसके लिए आप याद रख सकते हो, एक याद सब रख सकते हो इसका राइजोडियल सेल, ठीक है, और दूसरा क्या नाम याद रख सकते हो इसको, बेसल कोशिका, आगे हम इसको बेसल कोशिका के नाम से जानेंगे। तो राइजोडियल कोशिका बनती है, ये याद रखो, ठीक है। तथा एक बड़ी कोशिका निर्मित होती है, ये वाली बड़ी कोशिका है,
इस बड़ी कोशिका को हम क्या बोलेंगे, एपिकल सेल। क्या बोलेंगे भाई, एपिकल सेल बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो राइजोडियल कोशिका है ये लेंस के आकार की रंगहीन कोशिका होती है। कैसी दिखाई दे रही है, लेंस के आकार की छोटी सी कोशिका दिखाई दे रही है, और कैसी होती है, रंगहीन होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, जो प्रोथेलस के निर्माण में आगे भाग नहीं लेती, ये इसका कोई रोल नहीं होता आगे, ये बिल्कुल शांत पड़ी रहती है। केवल जो विभाजन होता है वो किसमें होता है, एपिकल सेल में होता है, ये जो ऊपर वाली कोशिका है इसी में विभाजन होगा। ये यहीं की यहीं इस तरीके से पड़ी रहेगी, और यहाँ पर ये इस तरीके से पड़ी रहेगी, यहाँ पर ये इस तरीके से पड़ी रहेगी। ठीक है, और ये नीचे के साइड में भी यहाँ पर इस तरीके से पड़ी रहेगी। तो जहां जहां पर मैंने ये ग्रीन कलर जहां जहां पर मैं लगा रहा हूँ, समझ लीजिए आपकी वो आपकी क्या है, राइजोडियल कोशिका है। सॉरी ये नहीं है, ये वाली राइजोडियल कोशिका है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये राइजोडियल कोशिका है, ये यहां पर राइजोडियल कोशिका है, और ये यहां पर राइजोडियल कोशिका है। तो जहां जहां आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है वो क्या है, राइजोडियल कोशिका। तो ये किसी भी निर्माण में भाग नहीं ले रही, कहीं कोई डिवीजन इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी दोबारा से फिर से हम राइजोडियल कोशिका को डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता रहे कि हम जिस कोशिका की बात कर रहे हैं वो अब यहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो रही। ठीक है, अब जो बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका कौन सी हमारी, ये वाली बड़ी कोशिका। ठीक है, ये वाली बड़ी कोशिका, ये बड़ी कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। क्या करती है, विभाजन करके एक आधारी कोशिका तथा एक बाह्य कोशिका बनाती है। देखो विभाजन किया इसने, इस कोशिका ने क्या किया, इस कोशिका ने विभाजन किया यहां पर, यहां पर देखो आप, ठीक है दिख रहा है, यहां पर विभाजन किया और एक तो बना दी इसने कौन सी कोशिका, आधारी कोशिका, ये आधारी कोशिका, और एक बना दी इसने आपके लिए कौन सी कोशिका, ये ऊपर वाली एपिकल कोशिका। ठीक है, यानी कि दो कोशिकाएं इसने क्रिएट कर दी, एक आधारी कोशिका और दूसरी एपिकल कोशिका। ठीक है, अब ये जो आउटर कोशिका है जिसे हम बोल रहे हैं एपिकल कोशिका, इसमें होता है विभाजन, इस एपिकल कोशिका में विभाजन होता है, और पहले इस तरह से दो कोशिकाएं बनती है, फिर इस तरीके से और कोशिकाएं बनती है, और जो आधारी कोशिका होती है वो जहां की जहां ही रहती है। समझ लो आप डायग्राम को कलर के हिसाब से। ठीक है, आधारी कोशिका जो है वो कहाँ रहती है, जहां की जहां ही रहती है, ये आधारी कोशिका है। बाकी जो डिवीजन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, बाकी डिवीजन हो रहा है एपिकल सेल में, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसमें जो आउटर सेल होती है वो ओब्लिक विभाजन करती है। अब ये जो आउटर सेल थी, इस आउटर सेल ने यहां पर विभाजन किया, ये ओब्लिक इस तरीके का, एक कोशिका ये और एक कोशिका ये बना दी। ठीक है, विभाजन करके एक शीर्षस्थ कोशिका तथा एक अन्य कोशिका निर्मित करती है, ये सॉरी यहाँ पर ये जो थी अपनी आउटर ऑब्लिक सेल। ठीक, इस अवस्था में गेमिटोफाइट का विकास स्पोर में उपस्थित भोजन की सहायता से होता रहता है। अभी तक तो जो विकास हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ तक का जो विकास है, इस जगह तक का विकास जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, केवल इस स्पोर के अंदर, इस स्पोर के अंदर जो भी भोजन था उस भोजन की अवस्था में हो रहा है। लेकिन अब जो आगे का विकास है, ये वाला विकास है या ये वाला विकास है, ये वाला डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के लिए इसको एक फंगाई की आवश्यकता होती है, एक फंगस की आवश्यकता, एक सिम्बायोटिक फंजाई, क्योंकि अब इसके पास पोषण खत्म हो जाएगा और इसको नीचे से पोषण लेना पड़ेगा, पृथ्वी से इसको यानी कि धरती से इसको पोषण लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना पोषण था इस स्पोर के अंदर उतना तो काम आ गया। इस जो फाइव स्टेज अवस्था है, कौन सी अवस्था है, फाइव स्टेज सेलुलर अवस्था, इसको आप बोल सकते हो फाइव सेल स्टेज है ना, क्या बोल सकते हैं इसको हम, फाइव सेल स्टेज। इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, ये जो अवस्था है इस अवस्था को बोलेंगे हम फाइव सेल स्टेज। ठीक है, ये पांच कोशिकीय अवस्था है, ये वाला जो डायग्राम है ये पांच कोशिकीय अवस्था। यहां तक तो क्या होता है कि जो जो सीड के अंदर जो जो आपका स्पोर है, इस स्पोर के अंदर जितना भोजन था उतना काम में ले लिया गया। अब जो नेक्स्ट अवस्था आएगी, ये वाली अवस्था, इस अवस्था के लिए किसी ना किसी सिम्बायोटिक फंजाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब कैसे होगा, देखिए, जबकि आगे के विकास के लिए सिम्बायोटिक फाइकोमाइसिटीज फंजाई की आवश्यकता होती है, और ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। ठीक है, कौन सी फंजाई की आवश्यकता होती है आगे के विभाजन के लिए, या जो लाइकोपोडियम का स्पोर होता है उसमें किस फंजाई, किस मतलब लाइकोपोडियम का स्पोर किस प्रकार की फंजाई या किस फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, तो वो कौन सी फंजाई है, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, अलग अलग होती है, बेसिडोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। ठीक
ठीक है। तो यहां पर कौन सी आएगी, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज फंजाई की आवश्यकता होती है जो इसके आधारी भाग में प्रवेश कर जाती है। आधारी भाग कौन सा है, ये वाला, इस भाग में यहां पर प्रवेश कर जाएगी और यहां इस जगह पर बनाएगी ये हाइपा, क्या बनाएगी, हाइपा, हाइपा का निर्माण कर लेगी। और एंडोफाइटिक माइकोराइजा जिसे हम बोलेंगे अंतःकवक का निर्माण करती है, ठीक है, किसका निर्माण करती है, माइकोराइजा का, मतलब ये हाइपा है, हाइपा बनाएगी पहले, जब ये हाइपा बन जाएंगे तो ये राइजोडियल कोशिका के पास में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइकोराइजा, ठीक है। और ये अंदर की तरफ है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोफाइटिक माइकोराइजा, क्या बोलेंगे इसको, एंडोफाइटिक माइकोराइजा। माइकोराइजा में आप पढ़ोगे कभी आगे क्लासों में तो आपको पता रहेगा कि जो माइकोराइजा है वो अलग अलग तरीके से जो है एंटर करता है, जिसमें से एक प्रकार इसका होता है वेम, ठीक है, एक होता है ये माइकोराइजा, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो माइकोराइजा होता है जिसे हम बोल रहे हैं अंतकवक, एंडोफाइटिक माइकोराइजा, यानी कि अंतकवक का निर्माण कर लेती है, यानी कि इसके अंदर जब जाकर ये कवक का जो जाल होता है, इसका जो माइसिलियम होता है, उसके हाइपा का निर्माण करती है, इसे हम बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। और जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, शीर्षस्थ सेल माइकोराइजा के स्थापित होने के बाद सक्रिय होती है, जैसे ही ये यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड होता है माइकोराइजा, ये जो एपिकल सेल होती है ये सक्रिय हो जाती है और ये डिवीजन करने शुरू कर देती है अपने, इस तरह से डिवीजन करना शुरू कर देती है, इसको पोषण मिल जाएगा, इस तरह से ये डिवीजन करना शुरू कर देगी, ठीक है। तथा इसके मुख्य अंगों का निर्माण करती है और बाद में ये जो है गैमेटोफाइट ये तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गैमेटोफाइट बनता है उसकी कहानी अलग टाइप की, तो ये सारा का सारा क्या बन गया हमारा, गैमेटोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट बनता है यहाँ पर लाइकोपोडियम में, वो गैमेटोफाइट होता है यहाँ पर तीन प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। ये जो गैमेटोफाइट हमने देखा यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये तीन प्रकार से बनती है। यहाँ पर कौन कौन से प्रकार है, एक है सरनम प्रकार, जिसे लाइकोपोडियम सरनम के अंदर बनता है, इसको बोलते हैं प्रथम प्रकार। तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि लाइकोपोडियम में कितने प्रकार के प्रोथेलस पाए जाते हैं, तो तीन प्रकार के प्रोथेलस पाए जाते हैं, एक सरनम प्रकार जिसे हम बोलते हैं प्रथम प्रकार, क्लेवेटम जिसे बोला जाता है द्वितीय प्रकार, फ्लेगमेरिया जिसे बोला जाता है तृतीय प्रकार, ठीक है। तो आपको याद नहीं रहे सरनम, क्लेवेटम या फ्लेगमेरिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये नाम आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि बार बार ये नाम आ रहे हैं इसके अंदर, तो आपको ये नाम हमेशा याद ही रखने हैं, ठीक है, सरनम, क्लेवेटम, फ्लेगमेरिया। अगर आप प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार या तृतीय प्रकार भी लिख देते हो कि तीन प्रकार का पाया जाता है, तीन प्रकार कौन कौन से, प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार, तब भी ये क्वेश्चन आपका राइट माना जाएगा। अगर आप लिखते हो सरनम प्रकार, क्लेविटम प्रकार और फ्लेगमेरिया प्रकार, तब भी ये क्वेश्चन आपका राइट ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ऑप्शन देके पूछता है, ऑप्शन देके पूछता है कि निम्न में से कौन सा प्रोथेलस लाइकोपोडियम में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब यहां पर उसने चौथा ऑप्शन दे दिया आपको, क्लेविटम भी नहीं है, फ्लेगमेरिया भी नहीं है, सरनम भी नहीं है, ठीक है, सभी दे दिया सभी। अब अगर आपको इनके नाम याद नहीं है ना, तो आप कोई सा भी एक लगा दोगे और जो एक लगाओगे वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो ये जब तीन प्रकार हैं हमारे पास में लाइकोपोडियम के प्रोथेलस के, इनको हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये तीन प्रकार किस प्रकार के होते हैं, किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सरनम प्रकार में किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट लगते हैं, ठीक है, क्लेविटम में किस प्रकार से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट लगते हैं, और फ्लेगमेरिया में किस प्रकार से जो है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट लगते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही है।